स्टूडेंट नाउ ओपन योर बुक पेज नंबर 46 ब्रश टूल राइट इट ओवर हियर टुडेज डेट डे एंड सी डब्ल्यू आप यहाँ पे आज की डेट डालेंगे डे डालेंगे एंड सी डब्ल्यू लिखेंगे ठीक है नाउ स्टूडेंट जैसे आपने वीडियो में देखा है आई होप बहुत हद तक क्लियर होगा नाउ लेट्स गो लाइन बाय लाइन इन योर बुक ब्रश टूल इज यूज टू ड्रॉ ऑब्जेक्ट्स विथ different kinds of brushes. Brush tool जो होता है वो use करते हैं हम different object बनाने कोई भी different pictures बनाने के लिए और किस तरीके से different kinds of brushes के help से ठीक है हमारे पास अलग अलग brushes हैं उसकी help से हम different drawing करते हैं To use it, कैसे हम brush tool को use करते हैं Click on brush, drop down arrow. मैम ने दिखाया था ना drop down arrow कहाँ था देखो इसमें भी दिख रहा है आपको ब्रश के नीचे एक ब्लैक कलर का छोटा सा एरो दिख रहा है इसे कहते हैं ड्रॉप डाउन एरो सेलेक्ट एनी ब्रश टाइप फ्रॉम द लिस्ट ऑफ अवेलेबल ऑप्शन इसका मतलब होता है कि आपको जितने भी ऑप्शंस मिले हैं अवेलेबल मतलब जितने भी ऑप्शंस हैं उनमें से आप कोई भी एक ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं तो आपके पास कितने ऑप्शंस अवेलेबल हैं कितने ऑप्शंस हैं हमारे पास 9 ऑप्शंस हैं तो 9 में से कोई भी एक हम सेलेक्ट कर लेंगे Then what else we have to do? Select any color from the colors group. फिर हमें color group से कोई भी एक color select करना है. Then move the pointer to the drawing area. फिर हमें drawing area में pointer लेके आना है. And press and hold down the left mouse button and drag the mouse to draw different lines. फिर हमें क्या करना है? Mouse के left button को press करना है और हमें line draw करना है. और फिर उसके मतलब mouse की help से हम ड्रैग करते हुए सारी लाइंस डिफरेंट लाइंस ड्रॉ कर लेंगे क्लियर है कैसे करना है सबसे पहले ब्रश में जाना है ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक करना है उसमें से कोई भी एक ब्रश सेलेक्ट करना है फिर कलर चूज करना है फिर माउस की हेल्प से हमें पॉइंटर को ड्राइंग एरिया में लाके फिर हमें ड्रैग करके सारी लाइंस ड्रॉ करनी है क्लियर नाउ लेट्स सी यूजिंग एयर ब्रश टूल Airbrush tool is used to spray colors on the drawing area. अब स्प्रे का मतलब क्या होता है फुहारे जैसे जैसे आपका है ना शावर में से कैसे अलग सा पानी फुहारों जैसा आता है उसको कहते हैं स्प्रे ठीक है तो Airbrush tool is used to spray color on the drawing area. आप Airbrush tool के हेल्प से क्या कर सकते हैं अपने drawing area में कोई भी ऑब्जेक्ट में कलर स्प्रे कर सकते हैं तो कैसे स्टेप्स होते हैं उसके सेलेक्ट एनी कलर फ्रॉम द कलर्स ग्रुप देन क्लिक ऑन द ब्रश ड्रॉप डाउन एरो एंड सेलेक्ट एयर ब्रश ऑप्शन हमें क्या करना है कलर चूज किया हमने हम ब्रश के ड्रॉप डाउन में गए और हमने मैम ने क्या बताया था एयर ब्रश कौन सा है फोर्थ वाला है एयर ब्रश टूल देन सेलेक्ट द डिजायर स्प्रे साइज फिर डिजायर मतलब आपकी इच्छा के हिसाब से आपको जैसा चाहिए जैसी आपकी पसंद है उस हिसाब का आप साइज चूज करेंगे देखो यहाँ साइज है साइज में से स्प्रे का साइज चूज करेंगे देन आप स्प्रे करेंगे मूव द माउस पॉइंटर ऑन द ड्राइंग एरिया क्लिक द माउस बटन ऑन द ड्राइंग एरिया वेयर यू वॉन्ट टू स्प्रे द कलर जो भी ड्राइंग एरिया में आप जैसे ही अपना पॉइंटर लेके आएंगे फिर जिस भी एरिया में आपको कलर स्प्रे करना है आप क्लिक कर दीजिए वहाँ पे आपकी ड्राइंग स्प्रे हो जाएगा कलर इन द सेम मैनर यू कैन मेक यूज ऑफ अदर ब्रशेस जैसे हमने 9 ब्रशेस था 9 ब्रशेस में से अभी एयर ब्रश टूल और ब्रश टूल ऐसे मैम ने दो चीज़ तुम्हें सिखाया वैसे ही आप बाकी जो लेफ्ट आउट हैं सबको यूज कर सकते हैं ठीक है क्लियर नाउ लेट्स सी Saving the drawing. It is important to save your work at short intervals. Short intervals मतलब छोटे छोटे थोड़ी थोड़ी देर में आपको अपना काम सेव करते रहना चाहिए So that you do not lose it. उसका मतलब आप अपनी फाइल को अपने काम को खोए नहीं वो आपका सेव रहे वो आपके कंप्यूटर पे रहे It in case of power failure. अगर आपने थोड़ी थोड़ी देर में अपना काम को सेव किया है तो अगर आपकी लाइट चली भी जाएगी और कंप्यूटर बंद हो जाएगा तब भी आपका काम सेव रहेगा ठीक है तो हम कैसे सेव करना है क्लिक ऑन द पेंट बटन एंड सेलेक्ट सेव ऑप्शन द सेव एज विंडो अपीयर्स ऑन द स्क्रीन जैसे ही आपने पेंट बटन पे क्लिक किया फिर आपको सेव ऑप्शन आएगा और सेव एज विंडो अपीयर हो जाएगा ये वाला विंडो जो है इसे मैम ने क्या कहा था सेव एज विंडो है ना ये
ये आपके स्क्रीन पे दिखने लगेगा। टाइप द नेम ऑफ द फाइल नेम बॉक्स, क्लिक ऑन द सेव बटन। नाउ ड्राइंग इज सेव्ड इन योर कंप्यूटर। यहाँ पे जहाँ पे आपको ये दिख रहा है फाइल नेम, यहाँ पे आप अपने पिक्चर का, अपने ना ड्राइंग का नाम लिखेंगे और सेव बटन पे क्लिक कर देंगे। ठीक, तो इससे आपका फाइल सेव हो जाएगा। नाउ क्लोजिंग द पेंट विंडो। टू क्लोज पेंट विंडो, क्लिक ऑन क्लोज बटन प्लेस्ड एट द टॉप राइट कॉर्नर ऑफ द विंडो। आपके पेंट में जो सबसे राइट कॉर्नर में एक क्रॉस बटन जो ऐसा दिया रहता है ना, ऐसा वाला क्रॉस बटन, इसको आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप ये क्लिक करेंगे आपका पेंट क्लोज हो जाएगा। ठीक है, आइदर आपके पास एक और ऑप्शन है, क्लिक ऑन द पेंट बटन एंड सेलेक्ट एग्जिट ऑप्शन। अगर आपने पेंट बटन पे क्लिक करके फिर एग्जिट बटन पे भी क्लिक किया तो आपका पेंट विंडो क्लोज हो जाता है। ठीक है, मैम ने दिखाया ना आपको वीडियो में। ओके, नाउ लेट्स सी ओपनिंग द सेव ड्राइंग। अगर आपने कहीं पे फाइल सेव की है तो उसे ओपन भी तो करेंगे ना, वापस उसे देखने के लिए तो हम सेव किए हैं, तो उसे कैसे हम देखेंगे। द ड्राइंग दैट यू हैव सेव्ड कैन बी ओपन एनी टाइम। जो भी आपने ड्राइंग सेव की है उसे आप कभी भी खोल के देख सकते हैं। टू ओपन अ सेव ड्राइंग, अब उस सेव ड्राइंग को ओपन करने के लिए क्या क्या स्टेप हैं। फर्स्ट ओपन पेंट बाय क्लिकिंग ऑन स्टार्ट ऑल प्रोग्राम्स एसेसरीज पेंट। ये तो आपका पेंट को ओपन करने का स्टेप्स ही है। देन क्लिक ऑन द पेंट बटन एंड सेलेक्ट द ओपन ऑप्शन। फिर आपको पेंट बटन पे क्लिक करना है एंड ओपन ऑप्शन पे क्लिक करना है। द ओपन विंडो अपीयर्स, सेलेक्ट द लोकेशन वेयर द फाइल इज सेव। जब ओपन विंडो आएगा, ये आपका ओपन विंडो आ गया। ठीक है, इसमें आपको क्या करना है, आपको अपनी जगह, कौन सी जगह में आप सेव करना चाहते हैं वो आप चूज करेंगे और वहाँ पे अपनी फाइल सेव कर देंगे। मतलब जहाँ पे भी आपने सेव कर रखा है वो अपनी जगह जहाँ सेव किया है वो उसको जगह को ढूंढेंगे और उस फाइल का नाम जहाँ भी आपको मिलेगा उस पर क्लिक कर देंगे। जिस नाम से आपने फाइल सेव की थी उस नाम को आप ढूंढेंगे और आपने कहाँ सेव किया था वो जगह ढूंढेंगे और उसके बाद उस पर क्लिक करेंगे। तो ओपन बटन पे फिर यहाँ पे प्रेस करेंगे, यहाँ दिख रहा है ना आपको ओपन है, इस पर क्लिक करेंगे और आपकी फ़ाइल ओपन हो जाएगी। एक बार और समझाती हूँ, हमें क्या करना है, पहले स्टार्ट बटन ऑल प्रोग्राम एसेसरीज पेंट, जो पेंट ओपन करने का तरीका है आप पेंट वैसे ही ओपन करेंगे। उसके बाद पेंट बटन पे क्लिक करेंगे और ओपन ऑप्शन में जाएंगे। मैं हमने दिखाया था वीडियो में ना, ओपन ऑप्शन कहाँ होगा, न्यू के नीचे होता है ओपन, तो ओपन ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। जैसे आप ओपन ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आपको ओपन विंडो मिलेगा, ये वाला जो विंडो है इसे ओपन विंडो कहते हैं। अब क्या होगा, इसमें आपको अलग अलग नाम दिख रहे हैं देखो, और यहाँ पे लोकेशन भी दिख रहा है, कहाँ पे आपने सेव किया वो भी बता रहा है। तो आपने कहाँ सेव किया था वो याद रखिए, अपना फाइल ढूंढ लीजिए और उसके बाद जैसे ही आपकी फाइल मिल जाएगी उसको सेलेक्ट कीजिए और यहाँ पे ओपन पे क्लिक कर दीजिए। ठीक, क्लियर है, इतना आपकी सेव ड्राइंग ओपन हो जाएगी। नाउ एडिटिंग द एग्जिस्टिंग फाइल। अब एडिटिंग द एग्जिस्टिंग फाइल मतलब, जैसे आपके पास अभी ये मिक्की माउस की फ़ोटो है ऑलरेडी, अब आपको इसमें कुछ चेंजेस करना है, तो आप वो कैसे करेंगे, तो उसके लिए क्या करना है, आप जाएंगे यहाँ सेलेक्ट दिख रहा है, ये इमेज ग्रुप में सेलेक्ट ऑप्शन है, आप उसको सेलेक्ट कर लेंगे। देन माउस पॉइंटर को लेके आएंगे इमेज के पास जो भी जगह पे, देन क्लिक एंड होल्ड डाउन द लेफ्ट माउस बटन, देन ड्रैग अराउंड द आउटर बाउंड्री। आउटर बाउंड्री मतलब मिक्की माउस के बाहर की तरफ आप ऐसे करेंगे तो वो आपके आ जाएगी। देन रिलीज द माउस बटन व्हेन इट इज कम्प्लीटली सेलेक्टेड। जैसे आपको इसे सेलेक्ट करना है तो आप क्या करेंगे, इसके आउटर साइड में आएंगे और फिर है ना, जैसे आप इसके आउटर साइड में आएंगे, इसके बाहर के एरिया में, मिक्की माउस के बाहर के एरिया में आएंगे, वहाँ आके आप ड्रैग करेंगे, ऐसे ड्रैग करके फिर आप एक ही बार अपना माउस छोड़ देंगे तो आपका ये पूरा मिक्की माउस सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उस सेलेक्शन को हम कहते हैं रेक्टेंगुलर सेलेक्शन टूल, और एक होता है फ्री फॉर्म सेलेक्शन। दो तरीके के सेलेक्शन होते हैं, जिस तरीके से आप अगर पूरा आउटर साइड को सेलेक्ट करेंगे तो वो रेक्टेंगुलर होगा, जो रेक्टेंगल के तरह शेप में होगा। फ्री फॉर्म मतलब आपको जिस भी तरीके से चाहिए वो उस शेप में आ जाएगा, सर्कल भी हो सकता है, खाली आईज नोज भी हो सकता है, ये खाली माउथ भी हो सकता है, कुछ भी उसका सेलेक्ट हो सकता है। ठीक है, इसको हम क्लास 3 में और डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, नाउ लेट्स सी रीसाइजिंग एंड स्क्वींग द पिक्चर। रीसाइजिंग मतलब छोटा बड़ा करना पिक्चर को। ठीक है, स्क्वींग मतलब तिरछा करना, थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा वैसे करना। देखो यहाँ पे दिखा रहा है ना आपको, रीसाइजिंग मतलब बड़ा छोटा करना, स्क्वींग मतलब टेढ़ा या सीधा करना। ठीक है, टेढ़ा मेढ़ा करना। ठीक है, क्लियर है, टेढ़ा करना।
The size of the picture can be increased or decreased vertically or horizontally. वर्टिकली मतलब होता है जब आप ऊपर से नीचे किसी चीज़ को करते हैं, हॉरिजेंटल होता है जब आप इस तरीके से किसी चीज़ को बढ़ा रहे हैं या छोटा कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप किसी चीज़ को इस तरीके से बड़ा छोटा करेंगे लंबाई में तो उसे हम वर्टिकली कहेंगे, ठीक है। हॉरिजेंटल मतलब इस तरीके में, समझ आ रहा है, बुक की सीधाई ऐसे। जब हम किसी चीज़ को इलास्टिक की तरह खींचते हैं ऐसे करके ऐसे खींचेंगे तो वो आपका हॉरिजेंटल हो गया, जब आप उसको ऊपर की तरफ ऐसे से खींचते हैं, ठीक है, तब वो होता है आपका वर्टिकल। तो अगर आपको ड्राइंग के कभी भी ऐसा करना है, सेलेक्ट द ड्राइंग बाय कवरिंग इट्स बाउंड्री यूजिंग द सेलेक्ट टूल। आपको सेलेक्ट टूल अभी यूज़ करना सिखाया था, तो आप पहले इसमें की माउस को सेलेक्ट कर लेंगे। देन क्या होगा, सेलेक्ट करने के बाद मैम ने वीडियो में दिखाया था ना आपको, एक है ना बटन, वो डॉटेड लाइन्स मिलेंगी, उसमें आप किसी भी कॉर्नर साइड को सेलेक्ट करेंगे और उससे आप वो आपको कॉर्नर साइड जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे तो आप या तो उसे छोटा कर सकते हैं या बड़ा कर सकते हैं। जब आपको छोटा करना है इनवर्ड में, मतलब उसके साइज़ को अंदर की तरफ डालना है, इनवर्ड मतलब अंदर की तरफ करते हैं तो उसके साइज़ उसकी छोटी हो जाती है, और जब आप उसको ड्रैग करके बाहर की तरफ खींचेंगे तो उसकी साइज़ बड़ी हो जाएगी। ये आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ज़्यादा आएगा, ठीक है, क्लियर है इतना, गुड।